अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं दालचा। दालचे के लिए हमने लिए हैं आधा किलो मसूर की दाल और पाव किलो चने की दाल। इसे हम धो के कुकर में पकने के लिए रखेंगे हल्दी और नमक डाल के, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। मसूर की दाल में हमें 4 सीटी लगानी होगी और चने की दाल में 6 सीटी लगानी होगी, और चने की दाल को अच्छे से मैश कर लेना होगा, एकदम गल जाए वो ऐसे। ओके, धो ली है और हमने दोनों दालों में 1 चम्मच हल्दी ली है और 1/2 चम्मच नमक लिया है, और अब हम इसे कुकिंग के लिए रखेंगे। मसूर की दाल में हम 4 सीटी लगाएंगे और चने की दाल में हम 6 सीटी लगाएंगे, और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे जब तक ये पूरी अच्छे से गल ना जाए। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप सीटी लगाइएगा। जब तक आपको ये पूरी गली भी ना लगे तब तक इसमें सीटी लगानी है। हमारी दाल पूरी पक के रेडी हो गई है और ये चने की दाल है, अच्छे से गल गई है। और मैं आपको मसूर की दाल भी दिखा, ये रही मसूर की दाल, ये भी अच्छे से गल गई है। देखिए दाने नहीं दिख रहे बिल्कुल भी मसूर की दाल के। अब हम इन दोनों दालों को मिक्स करेंगे। चने की दाल को हम थोड़ा मैश कर रहे रई से, और फिर उसके बाद हम इसको मसूर की दाल में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। दालचे के भुने गोश्त की सामग्री है। अब हम भुना गोश्त तैयार करेंगे दालचे के लिए। उसके लिए मैंने ली है 2 बड़ी प्याज ली है मैंने, उसे बारीक कट कर लिया है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है। 1/2 किलो गोश्त लिया है और 1/2 किलो लौकी है, और ये लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट है। और हम इसमें ये मैंने वही कुकर लिया है जिसमें मैंने मसूर की दाल बनाई थी, इसी में हम रखेंगे। मैंने गोश्त डाल दिया है और अब डाल रही हूँ टमाटर, प्याज, लौकी हमें बाद में डालनी है, अभी नहीं डलेगी लौकी। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा, मसाला छोड़ देगा, तेल छोड़ देगा, उसके बाद हम डालेंगे। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये गरम मसाले हैं तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और लाल इलायची, ये सब हम डालेंगे। काली मिर्चें भी हैं इसमें। इसमें अब हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची पाउडर डालिएगा, ज्यादा भी ना हो जाए कि आपको एकदम तीखा लगे। हमारे यहाँ की मिर्च इतनी तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने पूरा 1 चम्मच लिया है। आप अपने मिर्च के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हल्दी 1 चम्मच, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है इसका। और अब हम डालेंगे नमक, नमक 1 चम्मच डाल रहे हैं हम, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और 3 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। और इसे एक बार चम्मच से चला के फिर हम इसको पकने रख देंगे। हमें थोड़ा ही पानी डालना है इसके अंदर इसको भूनने के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। वैसे टमाटर और प्याज खुद पानी छोड़ते हैं, तो हमें और ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे गैस पे रख देंगे और 4 सीटी लेंगे। 4 सीटी लेके इसको खोल के देखेंगे, अगर गोश्त गल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 1-2 सीटी और लगाएंगे। मसाला रेडी हो गया, 4 सीटी बाद मैंने खोल के देखा गोश्त गल गया है, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें हम लौकी ऐड करेंगे। याद रखिए कि लौकी के पीसेस एकदम अखे रहे, इसे तोड़ना नहीं है, और हम सिर्फ 2 सीटी लेंगे सो डैट ये अच्छे से पक जाए हमारी लौकी। हमें गलाना नहीं है लौकी को, लौकी के पीस को साबुत रखना है। बहुत अच्छा लगता है जब दाल में साबुत साबुत लौकी के पीसेस आते हैं। अब हम इसको गैस पे चढ़ा रहे हैं 2 सीटी लेने के लिए। हमारी लौकी एकदम गल गई है मसाले के अंदर, और पीस भी एकदम अच्छे टूटे नहीं है, और हमें पीसेस को तोड़ना नहीं है लौकी के। ओके,
और अब हम इस मसाले को हमारी दाल में मिक्स करेंगे, दाल में डालेंगे और फिर देखिएगा कितना प्यारा कलर आएगा मिक्स करने पर। ये देखिए हमने इसमें अपना मसाला मिक्स कर दिया दाल में और अब हमने गैस पे रखा है इसे एक खोल लगाने के लिए। जब एक उबाल आ जाएगा इस दाल में तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। देखिए एक खोल आ गई है इसमें, अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और फिर तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने एक काट लहसुन की ली है, उसे बारीक कट कर लिया है और कड़ी पत्ता लिया है। मैं देसी घी से भगार लगा रही हूँ, आप चाहो तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। देसी घी से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है, आप एक चम्मच देसी घी ले लो या थोड़ा तेल ले लो। थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक हमें गैस पे रखना है। उसे देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है, अब हम इसे दाल में डालेंगे। दाल में डालते वक्त थोड़ी पॉपिंग साउंड होगा, आप घबराइएगा मत। तड़के की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दाल चा रेडी हो गया है, दाल गोश्त से एकदम हटके है। इसका इसमें जो लौकी प्रेजेंट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है इसे इस डिश को। मैं आपको लौकी के पीस दिखाती हूँ, देखिए कैसे अच्छे पीस। ये देखिए पूरे लौकी के पीस अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और बहुत ही प्यारा कलर आया है और टेस्ट में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें अपना प्यार बताइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।